हेलो लर्नर्स एन स्टूडियो से आप सबका स्वागत है आज के सेशन का टाइटल है यान कंस्ट्रक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ जो आपके फाइबर टू फैब्रिक बुक का लेसन नंबर फाइव है आज के सेशन में जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वो हैं सबसे पहले हम यान का मतलब समझने की कोशिश करेंगे उसके बाद यान के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम समझेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ के द्वारा वो एक फैब्रिक के एंड प्रोडक्ट को कैसे अफेक्ट करते हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और डिफरेंट यान मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यान क्या है ये समझने के लिए देखिए यान या सूत्र जो है जिसको हम साधारण भाषा में हम धागा कहते हैं लेकिन जब हम इसी सूत्र को जब हम वस्त्र निर्माण के लिए यूज़ करते हैं तो उसका टेक्निकल टर्म हम यान ही यूज़ करते हैं यान जो है बेसिकली रेशों से बना हुआ एक स्ट्रैंड या एक स्ट्रक्चर है देखिए हमने अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि एक जो कपड़ा है वो धागों से निर्मित है या यान से निर्मित होता है और यान्स जो हैं वो छोटे छोटे रेशों से बना होता है तो अभी तक की क्लासेस में हमने फाइबर्स यानी रेशों के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं इस सेशन से हम यान के बारे में यानी धागों के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे सो so, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यान जो है वो रेशों से निर्मित एक स्ट्रक्चर है जो कि लंबाई में काफी अधिक होता है और उसका क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम रहता है तो जैसे कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं एक धागा है एक ये वस्त्र का आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और अगर आपने ये नोट किया होगा कोई भी वस्त्र है वो धागों से निर्मित है और धागे के अगर आप सिरों को अगर आप इंडिविजुअल थ्रेड्स को निकाल के देखें और उनके सिरों को आप देखेंगे तो छोटे छोटे रोए नजर आएंगे ये छोटे छोटे रोए हैं ये रेशे होते हैं और इन रेशों को ही आपस में गूंथ के आपस में ट्विस्ट करके एक सूत्र जो है उसका रूप दिया जाता है अब हम जैसे मैंने बताया कि हम साधारण भाषा में यान को कभी कभी धागा भी कह देते हैं या थ्रेड भी कह देते हैं तो यान और थ्रेड में क्या अंतर है देखिए जब हम थ्रेड शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक तरह का यान ही होता है परंतु इसका जो उपयोग है वो सिलाई में इस्तेमाल किया जाता है दो फैब्रिक के पीसेस को जोड़ने में सिलाई में सो तो ये जो है थ्रेड uh, होता है काफ़ी इसमें मजबूती दी जाती है कई बार एक से अधिक यांस को भी आपस में ट्विस्ट करके जो है एक धागे का रूप दिया जाता है और धागा जो है अलग अलग फाइबर्स का यानी कॉटन आइलॉन सिल्क पॉलिएस्टर अलग अलग जो है रेशों से बना हुआ हो सकता है सो धागा जो है एक प्रकार का यान ही है बट यान जो है वो ज़रूरी नहीं कि उसको थ्रेड के लिए ही इस्तेमाल किया जाए या सिलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए ज्यादातर जब वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया हम करते हैं यानी धागों से जब हमें कोई कपड़ा बनाना होता है तो हम उस समय उस सूत्र को हम यान कहते हैं अब हम अगले सेक्शन में यान के कुछ गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे तो यान के जो मुख्य गुण जिनकी हम चर्चा करेंगे इस सेशन में वो हैं यान ट्विस्ट यान क्रिम्प एंड यान काउंट सबसे पहले समझते हैं यान ट्विस्ट क्या होता है देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो धागा है या यान होता है वो रेशों को ही आपस में गूंथ के ट्विस्ट करके जो है बनाया जाता है आप सबने ये नोटिस किया होगा देखिए दिवाली के अराउंड हम लोग दिए जलाते हैं और दिए की जब बत्ती बनाते हैं तो आप लोगों ने कई बार जो है रुई का फाहा एक ले लिया होगा और रुई के फाहे को ही जो है आप हाथ में लेके छोटा सा रुई का फाहा क्या है बेसिकली रुई के रेशे ही हैं वो है ना तो उन रेशों को लेकर आप जो हैं उसको बत्ती बनाने के लिए उसको आप थोड़ा सा खींचते हैं थोड़ा सा इलॉन्गेट करते हैं ताकि वो पतला हो जाए और उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा हथेली में ट्विस्ट करके आप एक लंबा पतला एक बत्ती का रूप देने की कोशिश करते हैं ताकि वो आराम से उसमें दिए में बाती हम बना सकें तो यान जो है उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रक्रिया है वो कुछ तरह से इसी प्रिंसिपल पर ही आधारित है यानी आप रेशों को लेते हैं और रेशे क्योंकि हर दिशा में रहते हैं तो उनको थोड़ा सा हम स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करने के बाद उसको थोड़ा सा ट्विस्ट देकर यानी उसमें थोड़ी सी ऐठन देकर हम उसको पतला और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं सो so, यान जो है वो इसी तरह रेशों को आपस में ट्विस्ट करके एक ही जो उसका जो आ, सिरा है जो एक्सेस है उसके अराउंड जो है वो रेशे आपस में जो है ट्विस्टेड रहते हैं ट्विस्ट देने से क्या होता है कि एक तो जो रेशे हैं छोटे छोटे रेशे हैं रेशों से बन के जो है धागा बना रहे हैं तो रेशे आपस में जो है सटे हुए एक स्ट्रक्चर में रह पाते हैं और दूसरी तरफ ट्विस्ट देने से धागे में मजबूती भी आती है सो so, इसीलिए यान में ट्विस्ट देना जो है वो एक आवश्यक जो है प्रोसेस है प्रक्रिया है जो कि रेशों को भी बांध के रखती है और धागे की मजबूती भी बढ़ा के रखती है है ये जो ट्विस्ट है ये दो प्रकार से दिया जा सकता है या राधर दो डायरेक्शन में दिया जा सकता है आप ट्विस्ट जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है रेशों को जो है घुमा सकते हैं उसके एक्सिस पर तो इसी आधार पर कि किस डायरेक्शन में आप ट्विस्ट दे रहे हैं ये ट्विस्ट जो है ये एस ट्विस्ट हो सकती है या जेड ट्विस्ट हो सकती है भागों में ज्यादातर जेड ट्विस्ट जो है वो ज्यादा कॉमन रहती है तो एस ट्विस्ट और जैसे घड़ी की सुई चलती है ना राइट हैंड साइड में चलती है तो जब आप घड़ी की दिशा से सुइयों की दिशा से विपरीत जब आप ट्विस्ट देते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड को जब आप ट्विस्ट देते हैं उसे हम लेफ्ट हैंडेड ट्विस्ट कहते हैं या काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्ट कहते हैं या हम एस ट्विस्ट कहते हैं और यदि आप घड़ी की सुई के दिशा में ही ट्विस्ट देते हैं यानी राइट हैंड साइड की तरफ जब धागे की ट्विस्ट देंगे तो उस ट्विस्ट को हम जेड ट्विस्ट या क्लॉकवाइज ट्विस्ट या राइट हैंडेड ट्विस्ट कहते हैं देखिए ये एस और जेड जो शब्द है जो ये अल्फाबेट्स हैं इनकी जैसे शेप होती है ना तो ट्विस्ट का जो डायरेक्शन है जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं जो एस अक्षर है उसके जो आ, बीच का जो लाइन है वो काउंटर क्लॉकवाइज एस ट्विस्ट की लाइन के साथ मैच करती है तो इसलिए लेफ्ट हैंडेड ट्विस्ट को हम एस अक्षर के बराबर जो है मैच करते हुए एस ट्विस्ट के नाम से जानते हैं और यदि जो ट्विस्ट का एंगल है वो जेड अक्षर के बीच की लाइन के समानांतर रहता है तो हम ऐसी ट्विस्ट को हम जेड ट्विस्ट कहते हैं तो आप जो हैं अलग अलग तरह की ट्विस्ट देकर भी जो हैं डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार के धागों में अलग अलग प्रकार से ट्विस्ट दिया जाता है सो so, अब ये ट्विस्ट की मात्रा कितनी रखनी है कितनी एथन देनी है एक धागे में तो देखिए कई सूत्रों में जो है हम ट्विस्ट थोड़ा ढीला भी रख सकते हैं कुछ प्रकार के याम्स में हम बहुत टाइटली भी ट्विस्ट दे सकते हैं तो ट्विस्ट को नापने के लिए कि कितनी एठन दी है एक यान में तो हम उसको टी पी आई अर्थात ट्विस्ट पर इंच यानी एक इंच में कितनी बार एठन दी गई है एक धागे को तो वो हम नाप के हम पता कर सकते हैं कि कोई एक सूत्र जो है यान वो टाइटली ट्विस्टेड है या आ, लूजली ट्विस्टेड है जैसे लो ट्विस्ट होगा आ, तीन ट्विस्ट ही दिए हैं एक इंच में तो वो एक लो ट्विस्टेड यान जो है, वो कहलाएगा मध्यम श्रेणी में जो तीन से सात बार जो अगर एठन देंगे और सात से अधिक बार यदि एक इंच में एठन होती है तो दी जाती है तो उस यान को हम आ, अधिक ट्विस्टेड यान आ, कह, कहते हैं सो so, देखिए एक जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि एक सूत्र में ट्विस्ट देना जो है वो आवश्यक है क्योंकि वह न केवल यान्स को मजबूती प्रदान करता है बल्कि वो जो है रेशों को भी जो है अच्छे से पकड़ के कोहिसिवली यान में बिठा के रखता है तो जैसे अगर आप ट्विस्ट ज्यादा बढ़ा देंगे किसी एक धागे में तो मजबूती भी बढ़ती है और जो रेशों की जो स्थिति है वो भी काफी कॉम्पैक्ट रहती है लेकिन एक हद से ज्यादा यदि बहुत ज्यादा ट्विस्ट कर देंगे तो वो जो है धागा कई बार टूट भी जाता है अगर महीन अगर आपको धागे बनाने हैं तो उसके अंदर जो है ट्विस्ट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है अब देखिए अगर जो धागे में ईठन जो है कम होगा तो जो रेशे हैं वो थोड़े से ढीले ढाले से सटे हुए रहेंगे तो ऐसा धागा जो है वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा थोड़ा फ्लफी रहेगा थोड़ा वार्म फील करेगा बल्कि भी रहेगा और लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ या मजबूती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और यदि आप एक टाइटली uh, ट्विस्टेड uh, धागा लेंगे तो वो थोड़ा सा महीन फाइन रहेगा और थोड़ा सा जो है वो जो सॉफ्टनेस है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी और ये जो ट्विस्ट किस प्रकार का धागे में दे रखा है इसका जो असर है वो आप फैब्रिक में देख सकते हैं तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ आपने क्रेप फैब्रिक का नाम सुना होगा तो कई तरह के जैसे शिफोन है या जॉर्जेट के वस्त्र आपने देखे होंगे उसमें जो धागे या यान्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें काफी अधिक मात्रा में ट्विस्ट दिया जाता है सो तो अत्यधिक ट्विस्ट देने के कारण जो धागे में थोड़ा सा एक क्रिंकली इफेक्ट सा आ जाता है और जब उस धागे से वस्त्र का निर्माण होता है तो आप वस्त्र की सतह पर भी देखेंगे थोड़ा सा ड इफेक्ट सा सरफेस नजर आता है सो so ये जो है आप इसी तरह अगर लूजली ट्विस्टेड यान यूज करेंगे और उससे अगर आप फैब्रिक बनाएंगे तो फैब्रिक थोड़ा सा सॉफ्ट सा और फ्लफी सा महसूस होगा अब हम यान के दूसरे गुण के बारे में चर्चा करते हैं जो कि है यान क्रिम्प देखिये यान क्रिम्प क्रिम्प क्या होता है जैसे कर्ल्स होते हैं ना तो इसी तरह का कर्ल्स क्रिम्प जो है आ, उसको हम आ, थोड़ा आ, जो यान है वो सूत्र जो है सीधा ना हो के यदि हम उसके अंदर थोड़ा सा कर्व्स या कर्ल्स इंट्रोड्यूस कर दें तो वो हम उसको कहते हैं यान क्रिम्प तो एक वेवीनेस जो है वो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी यान में अब देखिए कई नेचुरल यान्स होते हैं नेचुरल फाइबर्स से बने होते हैं जैसे वूल है हमने वूल के गुणों में हमने ये बात पढ़ी थी कि ऊनी जो रेशा है उसमें एक नेचुरल जो है क्रिम्प या कर्ल्स होते हैं लेकिन देखिए जब ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये जो मानवकृत रेशे होते हैं इनकी जैसे मैंने आपको बताया था इनकी जब मैनुफैक्चरिंग होती है तो जब उनकी स्पिनिंग की जाती है जो मैंने आपको बताया हुआ है कि स्पिनरेट के थ्रू जब उनका एक्सट्रूजन किया जाता है तो ये वाले जो मानवकृत जो फिलमेंट्स होते हैं और ये बड़े ही एकदम स्मूथ और बहुत ही मतलब आ, आ, स्ट्रेट आ, यान्स बनते हैं सो so, इन भागों को थोड़ा सा नेचुरल लुक देने के लिए नेचुरल फाइबर्स के बने हुए धागों की तरह लुक देने के लिए कई बार इनमें जो है क्रिम्पिंग की जाती है यानी एक टेक्सचर जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है इन फिलामेंट्स में तो इनमें स्पेसिफिकली जो है क्रिम्प इंट्रोड्यूस किया जाता है तो क्रिम्प देने से क्या होता है थोड़ा सा वेवीनेस आई मीन जो याम्स हैं वो स्ट्रेट ना होके हल्का सा उसमें अगर वेवीनेस या कर्ल्स अगर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो कई बार जो फैब्रिक है जो बनता है उसमें कवर ज़्यादा रहता है उसके अंदर काफ़ी कॉम्पैक्टली जो है यांस आ, जो है प्लेस्ड रहते हैं और उसकी जो फील है वो भी थोड़ा नेचुरल फैब्रिक्स की तरह ही प्रतीत होता है तो ये क्रिम्प किस तरह दिया जाता है देखिए ये स्पेशली जो सिंथेटिक uh, फाइबर्स होते हैं जैसे पॉलीएस्टर और नाइलॉन इनमें क्या है एक थर्मोप्लास्टिक गुण रहता है यानी थोड़ा हीट इनका एक हीट सेटिंग टेम्परेचर होता है यानी थोड़ा सा हीट देंगे तो ये हल्के से नरम हो जाते हैं जिन पर जिस स्थिति में इनको हम किसी भी एक आकार में हम इनको ढाल सकते हैं हीट सेटिंग टेम्परेचर पर तो हम मशीनों द्वारा जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं रोलर्स हैं रोलर्स जो थोड़े से गर्म रोलर्स हों उनके और उनकी जो रोलर्स की एजेस हैं ये थोड़ी सी जो है सिरेटेड होती हैं थोड़ी सी जिगजैक्ट अगर एजेस वाले रोलर्स लिए जाएं उनको थोड़ा गर्म किया जाए और हीट सेटिंग टेम्परेचर पर यदि आप एक स्ट्रेट यान को उस तरह के रोलर्स के बीच में से आप लेकर जाएंगे तो हीट सेटिंग टेम्परेचर पर ये जो यान्स हैं ये थोड़े से ये जो गियर्स हैं जो ये रोलर्स हैं इनके जो आ, आ, जो एजेस हैं सिरेटेड एजेस उन्हीं का ही रूप ये ले लेंगे और इस प्रक्रिया के बाद ये रूम टेम्परेचर पर इसी प्रकार के आ, जो हैं आकार आ, ले लेते हैं सो so, जो थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स हैं मैनमेड फाइबर्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनमें हम इस प्रकार से क्रिम्फिया कर्ल्स जो है इंट्रोड्यूस करके इनके गुणों को थोड़ा हम सुधार सकते हैं इसके बाद हम चर्चा करेंगे यान काउंट की या यान नंबरिंग सिस्टम्स की देखिए कोई भी एक आ, सूत्र है या यान है अगर हमें ये जानना हो कि ये कितना महीन है या कितना मोटा है तो उसके लिए हम एक यान काउंट से हम इसको इसका ज्ञान कर सकते हैं सो यान काउंट क्या है एक ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन यानी कि एक नंबर के रूप में जो है हम इसको दर्शाते हैं और इस नंबर से हमें पता चल सकता है कि ये धागा जो है ये कितना मोटा है कितना पतला है कई बार अगर हमें दो धागों को आपस में कंपेयर करना हो कि कौन सा धागा ज़्यादा महीन है कौन सा धागा ज़्यादा कोर्स है तो हम तब यान काउंट से ही इसको इसका ज्ञात कर सकते हैं यान काउंट यानी सूत्र गणांक इसके दो प्रणालियां हैं दो सिस्टम्स हैं एक डायरेक्ट सिस्टम और एक इनडायरेक्ट सिस्टम सो डायरेक्ट सिस्टम का मतलब क्या है और ये किस स्थिति में यूज किया जाता है देखिए डायरेक्ट सिस्टम ऑफ यान नंबरिंग यानी यान काउंट को ज्ञात ज्या, करने के लिए जो प्रत्यक्ष प्रणाली है वो हम इस्तेमाल करते हैं फिलामेंट्स यान की आ, मोटाई जांचने के लिए ये फिलामेंट्स कौन से होते हैं फिलामेंट्स लंबी लंबाई के जो आ, रेशे होते हैं उनको हम फिलामेंट्स कहते हैं तो जितने भी मानवकृत रेशे हैं या नेचुरल में जो सिल्क है ये सारे फिलामेंट्स की कैटेगरी में आते हैं तो जितने भी इस प्रकार के मानवकृत रेशे या सिल्क इन सब की जो है हमें अगर फाइननेस जो है जांचनी हो तो हम डायरेक्ट सिस्टम यूज़ करते हैं। देखिए डायरेक्ट का क्या मतलब हुआ डायरेक्ट का मतलब ये है कि जो भी आपका यान काउंट आएगा जिस भी नंबर का यान काउंट आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी मोटाई से यानी यान नंबर ज्यादा है तो धागा ज्यादा मोटा रहेगा यान नंबर कम है तो धागा जो है वो पतला रहेगा अब इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं देखिये यांग जो डायरेक्ट सिस्टम में हम क्या करते हैं एक निश्चित दूरी का जो है निश्चित लंबाई का हम धागा ले लेते हैं और उसका हम वजन नापते हैं उसका वजन ग्राम में कितना वजन आया है उतना ही उसका काउंट बनता है तो इसमें भी जो है दो प्रकार के यूनिट्स होते हैं जैसे हम डीनियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स भी इस्तेमाल करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें एक निश्चित लंबाई का हम धागा ले लेते हैं तो यदि हम डिनियर यूनिट के रूप के आधार पर हम जानना चाहते हैं तो हम 9000 मीटर लंबा धागा ले लेते हैं और उसका जो है वजन कर लीजिए जितने ग्राम उसका वजन है उतना ही उसका काउंट होगा डिनियर में यानी वन डीनियर का क्या मतलब हुआ एक धागे एक ग्राम है उसका वजन ठीक है ना अगर उस 9000 मीटर लंबे धागे का वजन दो ग्राम होगा तो उसका काउंट होगा दो डीनियर और यदि हम इसी प्रकार एक तो यूनिट हो गया इसी तरह हम टेक्स भी रख सकते हैं यूनिट तो टैक्स यूनिट लेंगे तो हम कितनी लंबाई लेंगे धागे की एक हजार मीटर एक हजार मीटर लंबे धागे की यदि हम उसको हम वजन करते हैं तो जितने भी ग्राम आपका वजन आएगा तो उतना जो है उसका यान काउंट है तो देखिए अगर सपोज हमारे पास दो धागे हैं एक थोड़ा सा मोटा है एक थोड़ा सा पतला है दोनों धागों के हमने 9000 मीटर जो है लंबी लेंथ ले ली अब अगर हम इसका वजन करते हैं तो क्या होगा भाई जितना मोटा जिसमें धागा होगा उसका वजन ज्यादा आ रहा है और जो महीन धागा है उसका वजन कम है यानी जिसका वजन ज्यादा है उसका यान काउंट भी ज्यादा है और जो महीन धागा होगा उसका वजन कम है यानी यान काउंट कम है तो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है जितना आपका काउंट जो है वो नंबर अधिक आएगा तो यानी कि वो धागा उतना मोटा हो रहा है तो यानी अगर आपके पास दो धागे हैं एक का जो है डिनियर कम है एक का डीनियर ज्यादा है तो इसका मतलब जिसका डीनियर कम है वो महीन धागा होगा जिसका डीनियर जो है ज्यादा है वो थोड़ा सा मोटा रहेगा धागा तो ये मैंने आपको बताया डायरेक्ट सिस्टम सो तो जितने भी मैनमेड फाइबर्स हैं उनसे बने हुए धागे और सिल्क तो इनसे जो है बने हुए जो यान्स हैं उनके लिए हम ये डायरेक्ट सिस्टम यूज करते हैं इनडायरेक्ट सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं जो स्टेपल फाइबर से बने हुए होते हैं स्टेपल फाइबर मतलब छोटी लंबाई के जो रेशे होते हैं उनको हम स्टेपल फाइबर्स कहते हैं तो छोटी लंबाई के रेशे जितने भी जैसे नेचुरल फाइबर्स हैं वानस्पतिक रेशे हैं और जो एनिमल फाइबर्स भी हैं उसके अंदर वूल जो है वो भी रेशा ही माना जाता है लेकिन एनिमल फाइबर्स में जो सिल्क है वो फिलामेंट होता है उसके लिए डायरेक्ट सिस्टम यूज करेंगे लेकिन जो जितने भी बाकी जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनके लिए उनकी मोटाई जांचने के लिए उनकी जो थिकनेस जांचने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट सिस्टम यानी कि अप्रत्यक्ष प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं अब इनडायरेक्ट कहने का अर्थ ये है कि जो यान काउंट होगा वो धागे की मोटाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि जितना काउंट ज्यादा आएगा धागा उतना महीन होगा अब ये हम कैसे जांचेंगे कैसे इसका तरीका क्या है इस सिस्टम में हम हम क्या करते हैं कि हम एक निश्चित वजन को हम निश्चित रखते हैं और धागे की लंबाई जो है वो वेरी करती है जैसे मैंने अभी आपको डायरेक्ट सिस्टम में बताया था हम धागे की लंबाई जो एक निश्चित रख लेते हैं और वजन जो है जितना भी ग्राम आएगा वो वजन जो है अलग अलग धागे में अलग अलग आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली यान काउंट हम रखते हैं लेकिन जो इनडायरेक्ट सिस्टम है इसके अंदर जो है हम दूसरे तरीके से करते हैं इसको डिटेल में अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इनडायरेक्ट सिस्टम से ही हम कंटिन्यू करेंगे आ, थोड़ा सा ब्रेक के बाद हम मिलते हैं थैंक यू करने राहों को आलोकित करने हम अपना देवक स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने कहीं पड़े प्रेमशय के ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है तो हम अब अपने जो डिस्कशन चल रही थी उसको कंटिन्यू रखते हैं हम लोग इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ यान नंबरिंग कर रहे थे तो इनडायरेक्ट सिस्टम यानी अप्रत्यक्ष प्रणाली जो है यान काउंट को नापने के लिए तो वो हम कैसे काम करती है यहाँ पर हम लोग जो है वज़न जो है उसको हम एक निश्चित वजन रखते हैं और धागे की जो लंबाई है यान लेंथ है वो वेरी करती है तो ये कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाती हूँ देखिए ये जो यान काउंट का सिस्टम है इनडायरेक्ट सिस्टम जैसे कि मैंने बताया स्टेपल फाइबर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो मुख्यतः जो कॉटन है वूल है वर्स्टेड यान्स हैं उनके लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं उसके अलावा लिनन हो गया जूट हो गया उनके लिए भी जो है यही इनडायरेक्ट सिस्टम यूज करते हैं तो हर यान का जो एक कैलकुलेशन का जो तरीका है वो डिफरेंट है सो तो हम सबसे पहले बात करते हैं कॉटन काउंट की देखिए कॉटन काउंट जो है इसका यान काउंट हम कॉटन काउंट की तरह ही बोलते हैं और इसको हम एन ई -E या एस से हम दर्शाते हैं इन द सेंस कि जो भी यान काउंट होगा उसके आगे हम एस लिख देते हैं तो इसका मतलब वो हम यान काउंट की बात कर रहे हैं तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर हम वजन निश्चित रखते हैं और लंबाइयां जो हैं यान की वो वेरी करती है तो वजन निश्चित का मतलब है एक जो वजन कांस्टेंट रहेगा वो रहेगा वन पाउंड वन पाउंड कितना होता है 454 ग्राम यानी कि साढ़े चार सौ ग्राम के करीब जो है जो है वजन रहेगा और उसके अंदर हम अगर कॉटन काउंट का हम जानना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे 840 गज लंबी जो धागा है उसकी लच्छियां बना के हैंक्स बना के तो जैसे 840 यार्ड एक यार्ड होगा कोई एक मीटर से थोड़ा सा कम रहता है ठीक है ना तो इस तरह से 840 गज लंबे जो हैं धागे के लच्छी बना के आप रखें अब जितनी ये 840 गज लंबे धागे हैं ये जितनी मात्रा में ये लगेंगे जिससे कि इनका वजन 400 सो uh, ग्राम हो जाएगा उतना ही जो है कॉटन का काउंट होगा जैसे कि अगर किसी धागे का कॉटन का काउंट जो है वो 32 है यानी 32 एस है इसका क्या मतलब हुआ कि 32 लच्छियां जो हैं 840 गज लंबे धागे के वो मिलकर जो है वन उनका वजन हुआ है ठीक है सो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम जो वजन है वो कांस्टेंट है और उसके ऊपर जितनी लंबाई जो है धागा जितना मर्जी लंबा हो सकता है और धागे को डाल के उसको हम जब हम वज़न लें तो जब ही एक पाउंड यानी साढ़े चार सौ ग्राम के करीब यदि वजन बन जाता है जितनी भी लच्छियां लेके और एक एक जो हैंक है या लच्छी है वो आठ सौ चालीस गज़ के धागे की होगी तो आप ये चित्र में ऊपर कॉर्नर में आप देख भी रहे हैं ये रोल्ड लच्छी जो है आपको दिख रही है इसी को हम हैंक कहते हैं सो तो इस तरह के जो है हैंक्स बना के उनका हमें वजन लेना होता है तो यहां पर अब आप जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देखिए अब हमारे पास दो प्रकार के धागे हैं समझ लीजिए एक थोड़ा महीन धागा है एक थोड़ा मोटा धागा है तो इमेजिन करिए कि अगर हम मोटे धागे को इस्तेमाल करते हुए जो है लच्छिया बना रहे हैं और फिर हम वजन करेंगे तो क्या होगा कि कम जो है हैंक्स में ही जो है एक पाउंड हो जाएगा और यदि धागा जो है वो हमारा महीन रहेगा काफी फाइन रहेगा तो क्या होगा कि एक पाउंड बनाने के लिए हमारे को ज्यादा धागे की जरूरत रहेगी तो जैसे कि मैंने आपको बताया द नंबर ऑफ हैंक्स दैट मेकअप ऑफ वन पाउंड इज काउंट तो इसलिए जो है आपका काउंट जितना ज्यादा आएगा जितनी ज्यादा लच्छियों की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब ये धागा उतना ही महीन है यानी काउंट ज्यादा आएगा तो यान जो है वो ज्यादा फाइन रहेगा तो और काउंट जो है कम है तो धागा जो है वो थोड़ा कोर्स या मोटा रहेगा ये मैं कॉटन के संदर्भ में आपको बता रही हूं सो so, अगर हमारे पास दो धागे हों और उनको हमें कंपेयर करना हो तो हम उसका यदि कॉटन काउंट देखें तो जिस कॉटन काउंट का ज्यादा जिस धागे का ज्यादा कॉटन काउंट रहेगा यानी कि वो धागा ज्यादा फाइन रहेगा ज्यादा महीन होगा ज्यादा पतला होगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है जो काउंट होता है जो वैल्यू आती है जितनी अधिक होती है उतना धागा महीन होता है इसीलिए काउंट का जो है धागे की मोटाई से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होती है ठीक इन डायरेक्ट सिस्टम में जितना काउंट ज्यादा होगा उतना धागा महीन होगा डायरेक्ट सिस्टम में जितना काउंट ज़्यादा होगा धागा उतना मोटा रहता है है ना तो इसी तरह कॉटन काउंट में हम क्या करते हैं 840 गज लंबी लच्छी या हैंक को हम वजन करते हैं यदि वूलन यानी ऊनी रेशा होगा उससे बने हुए अगर हमारे पास यांज रहेंगे तो हम 300 गज जो है लंबे धागों की हम लच्छी बनाएंगे यदि वर्स्टेड फैब्रिक होगा वर्स्टेड यांज होंगे वर्स्टेड भी वूलन से ही बनते हैं लेकिन लंबी लंबाई के जो रेशे अच्छी क्वालिटी के जो रेशों से बनता है धागा उसे हम वर्स्टेड कहते हैं उसके रिलेशन में हम पांच गज लंबा जो है धागा लेते हैं और उसका फिर हम वजन करते हैं यहां पर वजन आप देखिए हर फाइबर में हम वजन वही एक पाउंड का ही रख रहे हैं ठीक है ना सो इनडायरेक्ट सिस्टम में मैंने आपको जैसे बताया जो यान काउंट है वो यान के डायमीटर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है तो अब यान्स की प्रॉपर्टीज समझने के बाद हम अब अगले सेशन पर चलते हैं जो कि है यान मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यान को जो बनाने का निर्माण की विधि है उसको हम स्पिनिंग कहते हैं कताई यानी रेशों से यान्स बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम स्पिनिंग कहते हैं देखिए अलग अलग प्रकार के यान्स हैं अलग अलग प्रकार के रादर फाइबर्स हैं जैसे हमने बोला था ना दो प्रकार के फाइबर्स हैं नेचुरल फाइबर्स हैं और मैनमेड फाइबर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं स्टेपल फाइबर्स हैं और फिलामेंट्स हैं स्टेपल फाइबर होते हैं छोटी लंबाई के रेशे उनसे बने हुए जो उनसे जब हम स्पिनिंग करते हैं उनसे जब हम यान्स बनाते हैं तो एक अलग प्रकार का स्पिनिंग मेथड यूज करते हैं और जब मानवकृत रेशों की प्रोडक्शन होती है फिलामेंट्स का निर्माण होता है तो हमारे को केमिकल स्पिनिंग की हम बात करते हैं और स्टेपल फाइबर्स यानी जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं उनको बनाने के लिए हम मैकेनिकल स्पिनिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि कॉटन वूल और आ, सिल्क यान्स कैसे बनाए जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन यान्स की देखिए कॉटन जो है आपको पता है एक वानस्पतिक रेशा है नेचुरल फाइबर है फील्ड्स में खेतों में उगता है तो खेतों से जब हम कॉटन के जो कॉटन बॉल्स में से कॉटन को हार्वेस्ट करके खेतों में इकट्ठा किया जाता है उनके बड़े बड़े बंडल्स बनाए जाते हैं यूज बंडल्स जिनको हम बेल्स कहते हैं और फील्ड से वो डायरेक्टली जो है यान मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लेकर आई जा आय, लाया जाता है अब इन जो है डायरेक्ट फील्ड से आ रहे हैं तो इनमें कई प्रकार की अशुद्धियां हैं इम्प्योरिटीज़ हैं कुछ गंदे भी हो सकते हैं सीड्स हैं लीव्स हैं तो गंदगी हो सकती है तो सबसे पहले तो ये जो बंडल्स हैं इनको खोला जाता है और इनको क्लीन किया जाता है इन बंडल्स को खोल के रुई के जो रेशे हैं उनको थोड़ा लूजन अप किया जाता है और ब्लो रूम में ले जाके जो है इनको खोला जाता है थोड़ा इनको लूजन अप किया जाता है और इनकी ब्लेंडिंग भी की जाती है अब जब ये रेशे थोड़े से जो हैं साफ हो जाते हैं इनमें से सीड्स वगैरह निकाल के जो अशुद्धियां हैं मोटी-मोटी अशुद्धियां निकाल के उसके बाद जब यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है कार्डिंग देखिए जो रेशे होते हैं वो अब रेशे हैं अलग-अलग दिशा में आपस में जो हैं गुथे हुए हैं है ना तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि रेशे को एक सीध में पैरेललाइज़ेशन उनकी करनी है आपको याद होगा जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि दिए की बाती हम बनाते हैं तो रुई का फाहा हमने ले लिया अब फाहा हमने ले लिया तो रेशे जो हैं उन अलग अलग डायरेक्शंस में जो हैं गुथे होते हैं आप जो हैं उनको ही आप कहो मैं ट्विस्ट करके जो है हम यान्स बना लें तो ये पॉसिबल नहीं है दे नीड टू बी स्ट्रेच्ड दे नीड टू बी दी फाइबर्स नीड टू बी सेट इन अ पैरेलल पोजीशन यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में उनको सेट करना होता है तभी आप उनको खींच के थोड़ा आप उसमें ट्विस्ट दे सकते हैं तो कार्डिंग मशीन जो है वो यही कार्य करती है वो रेशों को जो है बेसिकली रोलर्स uh, होते हैं रोलर्स पे ब्रशेस वगैरह लगे हुए हैं और उनके थ्रू जब ये फाइबर्स की जो लेयर है चादर है जब उनके थ्रू जाती है तो फाइबर्स थोड़े एक पैरल पोजिशन में भी बैठ जाते हैं और छोटे छोटे रेशे भी जो हैं वो अलग 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 हो जाते हैं तो आप ये देख रहे हैं जैसे चित्र में जो कार्डिंग में जो है रेशे जो हैं जो गुथे हुए रेशे होते हैं वो काफ़ी पैरल जो हैं वो दिशा में सेट हो जाते हैं अब कार्डिंग के बाद कोम्बिंग प्रक्रिया में अगले जो हैं सेटअप में जो जाते हैं जब रेशे अब ये कोम्बिंग जो है एक ऑप्शनल है जो अगर अच्छी क्वालिटी के आपको यान्स बनाने हो अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक्स के लिए हम कोम्बिंग भी करते हैं कोम्बिंग में क्या करते हैं बेसिकली जो छोटे छोटे बिल्कुल छोटी छोटी लंबाई के रेशे होते हैं ना उनको निकाल देते हैं और जो सिर्फ लंबी लंबाई के रेशे जो रह जाते हैं उनको ही हम आगे जो है धागा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कार्डिंग में भी जैसे हमने एक चादर के रूप में हमने जो लैप होता है उसके रूप में कार्य किया था कोम्बिंग में भी जो है हम एक चादर के रूप में थिन चादर जो है उसको हम कोम्बिंग के रोलर्स के थ्रू निकाल के आ, उनको हम एक लूज रस्सी नुमा एक जो है अनट्विस्टेड लूज रोप लाइक -like स्ट्रक्चर जो है जिसको हम स्लिवर कहते हैं उसके रूप में निकाल के फिर हम आगे के प्रोसेसेस उसमें करते हैं तो अगला प्रोसेस है ड्रॉइंग ड्रॉइंग यानी स्ट्रेचिंग जैसे कि मैंने आपको फिर मैं दोबारा उसी एग्जाम्पल पे आ रही हूँ जो दिए की बत्ती बनाई थी तो हमने जो वो जो जो दिए की बत्ती को हम थोड़ा सा फाइबर्स को जो हम स्ट्रेच करते हैं ना उसी को ही हम टेक्निकल लैंग्वेज में हम ड्राइंग प्रोसेस हम कह सकते हैं जिसमें जो रेशे हैं वो थोड़े से स्ट्रेच किए जाते हैं तो so, ये जो रस्सी नुमा जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया लूज रोप जो अनट्विस्टेड रस्सी नुमा जो स्लीवर्स होते हैं इनको हम रोलर्स के थ्रू जो है पुल करते हैं पुल करने से क्या होता है ये जो रेशे हैं ये थोड़े से खींचते हैं और थोड़ा ये जो आ, जो लूज रोप है वो धीरे धीरे थोड़ा धागे के रूप में पतला होना शुरू हो जाता है देखिए यहाँ पर हमने अभी तक सिर्फ धागे को खींचा है उसको थोड़ा महीन रूप देने की कोशिश की है अभी उसमें ट्विस्ट नहीं दी है है ना एठन जो है जो कि मैंने बताया था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आ, स्टेप है किसी भी धागे के निर्माण में तो वो हम जो है ट्विस्ट जो है वो हम स्पिनिंग जो लास्ट स्टेज है स्पिनिंग उसमें हम जो जो ड्रॉन आउट स्लीवर्स हैं या ड्रॉन आउट जो आ, यान्स हैं उनमें हम ट्विस्ट देते हैं एठन देते हैं और एठन देने के बाद वो जो धागे हैं जो एक्चुअल जो धागे का रूप है वो ले लेते हैं और महीन धागों के रूप में जो है दिखाई देते हैं इसके बाद इन धागों को आप अलग अलग प्रकार के जो है आ, रील्स में जो है उनको रोल कर सकते हैं रील्स बॉबिन्स हैंक्स कोन्स अलग अलग तरह के जो है डिपेंडिंग ऑन आपको कहाँ आगे इस्तेमाल करना है उस प्रकार से उनकी जो है हाँ पैकिंग या वाइंडिंग आप कर लेते हैं सो so इस प्रकार से जैसे मैंने स्टेप्स आपको बताए कार्डिंग हुआ फिर कोम्बिंग हुआ ड्राइंग आउट हुआ स्पिनिंग हुआ इन प्रोसेसिस से एक धागा जो है वो उसका निर्माण हो जाता है अब हम बात करेंगे कि वूल और वर्स्टेड यान्स का जो निर्माण है वो कैसे होता है देखिए वूल और वर्स्टेड अभी मैं बताऊंगी कि इनमें अंतर क्या है देखिए वूल जो है वर्स्टेड भी वूल फाइबर से ही बन रहा है वूल कहाँ से मिल रहा है शीप से इट्स एन एनिमल फाइबर ये हम पढ़ चुके हैं अलग अलग प्रजाति की अलग अलग ब्रीड्स होती हैं शीप की रंग अलग है टेक्सचर अलग है वजन अलग है सो अलग अलग प्रकार के जो हैं जो है वेराइटी होती है और डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करके वूलन या वर्स्टेड रेशा भी बनाया उससे धागा भी बनाया जा सकता है तो सबसे पहले हम अंतर जानते हैं कि वूल और वर्स्टेड में अंतर क्या है देखिए जो जो ऊनी रेशा होता है जैसे मैंने बताई एक स्टेपल रेशा होता है स्टेपल रेशा मतलब छोटी लंबाई की रेशे लेकिन छोटी लंबाई में भी कुछ रेशे होंगे जो बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं है ना जो तीन इंच से भी छोटे रेशे हैं आधे इंच पौना इंच एक इंच डेढ़ इंच सो so, कुछ ऐसे भी रेशे हैं और कुछ स्टेपल रेशे ऐसे होंगे जो तीन या साढ़े चार इंच पांच इंच छः इंच लंबे तक जो है रेशे हैं सो so, जो तीन इंच से नीचे जो रेशे होते हैं उनको हम जो है थोड़े से निम्न और मध्यम क्वालिटी के फैब्रिक्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और जो लंबे स्टेपल रेशे होते हैं उनको हम जो तीन इंच से अधिक जिनकी लंबाई है उन रेशों को हम अधिक मतलब अच्छे उत्तम क्वालिटी के जो रेशों यान्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उत्तम क्वालिटी के यान से जो फैब्रिक भी अच्छा उत्तम क्वालिटी का बनेगा है ना सो so, जो वूलन यान्स होंगे वो थोड़े क्योंकि उसमें छोटे छुट छोटे रेशे होंगे तो जो सिरे जो हैं बाहर को भी प्रोट्रूड कर सकते हैं तो इस कारण अवूलन जो रेशा जो यान होता है वो थोड़ा सा मोटा थोड़ा फजी थोड़ा लूजली ट्विस्टेड भी रह सकता है और कंबल स्वेटर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन जो वर्स्टेड यान्स यानी कि लंबी लंबाई के जो रेशों से जब हम यान बनाते हैं उनसे बने हुए जो यान्स होते हैं वो थोड़े उनको ट्विस्ट भी अच्छी दी जाती है थोड़े जो मेंस फॉर्मल वुलन सूट्स होते हैं वो इस तरह के गैबडीन ट्वीड वगैरह के जो अच्छी क्वालिटी के वुलन गार्मेंट्स के लिए हम वोस्टेड याम्स का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए प्रक्रिया इसमें कैसे है कि भेड़ है उसकी शेयरिंग करके जो है वूल निकाली जाती है ऊनी रेशे निकाले जाते हैं ऊनी रेशे जो हैं उनको आप सॉर्टिंग करते हैं ग्रेडिंग करते हैं अलग अलग प्रकार की जैसे मैंने बताया भेड़ की प्रजाति के हिसाब से कलर टेक्सचर कितना लंबा स्टेपल रेशा है उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो है ग्रेडिंग करके उनको सॉर्ट आउट करके फिर उसके बाद अगली प्रक्रियाओं से हम स्टार्ट करते हैं लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है क्लीनिंग है ना तो क्लीनिंग जो है उसमें हमारी दो प्रक्रियाएं जो हैं मुख्य रूप से वूल एंड वोस्टेड याम्स में यूज की जाती हैं वो है स्कावरिंग एंड कार्बोनाइजिंग स्कावरिंग जो होती है वो बेसिकली धुलाई की प्रक्रिया ही होती है जिसमें एक वार्म एल्कलाइन सोप सोल्यूशन से ही जो है जो चिकनाई है ग्रीस है कुछ इम्प्योरिटीज़ वगैरह लगी हैं वो तो स्कािंग यानी धुलाई से निकल जाएंगी लेकिन कुछ ऐसे जो हैं सपोज़ कोई ऐसा जैसे पत्ते हैं या कोई वेजिटेबल मटेरियल जो है लगा है जैसे बीज हैं पत्ते हैं टहनियाँ या कुछ इस प्रकार की जो सेल्यूलोजिक मटेरियल की जो कोई इम्प्योरिटी हो तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं एक सल्फ्यूरिक एसिड के डाइल्यूट सोल्यूशन से हम ट्रीट करते हैं जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि वूलन पर जो है एसिड्स का बहुत ज़्यादा जो माइल्ड एसिड्स का हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता लेकिन जो सेल्यूलोजिक मटेरियल है वो प्रभावित हो जाते हैं है ना उन्हें क्षति पहुंचती है तो कार्बोनाइजिंग मेथड में क्या होता है जो वूल पर से जो भी सेल्यूलोजिक या वेजिटेबल मैटर है वो सारा निकल जाएगा वो सारा साफ हो जाएगा और क्लीनिंग होने के बाद उसके बाद हमने जैसे कॉटन में कार्डिंग की थी फिर कोम्बिंग की थी है ना जो कार्डिंग में मैंने आपको बताया था कि आ, आ, रेशों को पैरलाइज करते हैं समानांतर बिठा बिठाते हैं और फिर कोम्बिंग प्रक्रिया जैसे मैंने बताया ये एक ऑप्शनल प्रक्रिया है ये साधारण क्वालिटी के वुलन्स में नहीं किए जाते कोम्बिंग प्रक्रिया जो है जब वर्स्टेड यान्स बनाने हो, अच्छी क्वालिटी के यान्स बनाने हो, अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक के लिए यान्स बनाने हो, तब ये कोम्बिंग प्रक्रिया की जाती है जिसके अंदर छोटे छोटे रेशे जो हैं छोटी लंबाई के रेशों को अलग कर दिया जाता है उन रेशों से फिर निम्न और मध्यम क्वालिटी के फैब्रिक्स uh, बनाने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है और सिर्फ लंबी लंबाई के जो रेशे हैं उनको ही आगे प्रोसेसिंग के लिए ले जाते हैं तो उसमें फिर हम ड्राइंग जो है जैसे कि मैंने आपको बताया जो थोड़ा सा खिंचाव देने की जो प्रक्रिया है वो भी वुलन एंड रोस्टेड में भी कॉमन ही है जैसे कॉटन में करते हैं कार्डिंग कोम्बिंग ड्रॉइंग आउट स्पिनिंग वुलन रेशो में भी सेम वैसी ही प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है और स्पिनिंग प्रक्रिया में मैंने जैसे आपको बताया कि ट्विस्टिंग यानी एठन जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है धागे में जिससे कि धागा जो है थोड़ा मजबूत हो जाता है और महीन हो जाता है और धागा जो है अपना पूर्ण जो धागे का जो स्वरूप है रूप है वो ग्रहण कर लेता है उसके बाद जब ये धागा बन जाता है तो आप इनको लच्छियों में कॉटन सॉरी बुलन बॉल्स में या फिर आ, कोन्स में जिस भी प्रकार का जिस भी प्रकार के पैकेज में पैक करना है उस तरह से ये पैकेजिंग हो जाती है तो अब हम सिल्क याम्स के बारे में भी एक बार देख लेते हैं सिल्क हमें पता है वो भी एक नेचुरल फाइबर है और सिल्क जो है उसके सिल्क वर्म्स होते हैं जो आ, रेशम के जो कीड़े होते हैं उनसे जो उनकी जो आ, सिक्रीशन होती है उससे ही जो अपने अराउंड जो एक सिक्रीशन जो है लिक्विड सिक्रीशन जो है वो जो निकालता है दो तीन दिन तक निकाल के जो अपने अराउंड जो है स्पिन कर लेता है उसी से जो एक कोकून बनता है वो कोकून क्या है वो बेसिकली एक कंटिन्यूस लेंथ ऑफ सिल्क फिलामेंट है जो कीड़ा जो है अपने अराउंड जो है वो एक कोकून की शेप जो है बना लेता है है ना तो जब सिल्क को हमें प्रोडक्शन uh, करनी है तो उसके अंदर देखिए सिल्क के कीड़े भी अलग अलग प्रकार के हैं उनसे सिल्क जो है कल्टीवेटेड uh, सिल्क भी आ सकती है वाइल्ड सिल्क भी आ सकती है अलग अलग uh, उनमें जो है रंग होते हैं अलग अलग टेक्सचर होते हैं देखना पड़ता है कि सिल्क की कोकून uh, uh, की जो है क्वालिटी कैसी उसके अकॉर्डिंगली जो है कोकूनस की uh, छटाई की जाती है कुछ कोकून्स को अलग करके जो है उसमें से सिल्क वर्म्स जो हैं उसको हम आगे के सेरिकल्चर यानी सिल्क की खेती के लिए आगे यूज किए जाते हैं और कुछ जो है सिल्क के जो कोकूंस होते हैं उनसे हम सिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले जो है सिल्क के जो कोकून्स हैं इनको सॉफ्ट किया जाता है इनको गरम पानी में डाल के जो है इनको जो इसके देखिए सिल्क का जो फिलामेंट होता है ना उसके अराउंड जो है गोंद लगी होती है जिसको हम सेरेसिन कहते हैं सेरेसिन के अंदर ही दो सिल्क फिलामेंट जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इसको सबसे पहले तो ये जो ऊपर की जो ये गोंद की जो लेयर है उसको थोड़ा सा जो है वो जैसे ट्वेंटी परसेंट अगर आपके सेरेसिन होता है तो उसमें सिर्फ एक या दो प्रतिशत जो है इस स्टेप में हम सेरेसिन गोंद को जो है हटा देते हैं सॉफ्ट कर देते हैं उसके बाद कोकून में से जो सिरा हम जो है ब्रश करके सिरा निकालते हैं जहाँ से सिल्क फिलामेंट एक कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस लेंथ में जो है उसकी रीलिंग की जाती है और रीलिंग करने के बाद थ्रोइंग प्रोसेस में जो है हम सिल्क के फिलामेंट्स में थोड़ा सा ट्विस्ट भी जो है हम ऐड करते हैं यानी थोड़े से ऐठन भी हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद जो ये ट्विस्ट देकर स्पिनिंग करके जब हमारा ये धागा बन जाता है और सिल्क यान को फिर हम जो है डी गमिंग प्रोसेस जो है उससे गुजारते हैं डी गमिंग में क्या होता है जो सेरिसिन गम जो सिल्क में जो सिल्क फ़िलामेंट्स को बेसिकली कवर करके रखा हुआ है वो सेरेसिन गम को हम इसमें निकाल देते हैं बेसिकली उसको आ, उबलते पानी और सोप सल्यूशन से ट्रीट करके डी गमिंग करी जाती है गम को रिमूव किया जाता है और गम जब गोंद जो नुमा पदार्थ है सैरिसिन उसको जब निकाल देते हैं तो सिल्क जो है अपनी असली खूबसूरती अपने असली रंग आ, फील टेक्स्चर लेकर जो है वो तैयार निकलता है और उसको फिर आप आगे डाइंग आ, के लिए यूज़ किए उसमें डाइंग प्रिंटिंग कर सकते हैं या उससे जो आगे आप फैब्रिक जो है आ, बना सकते हैं और इस प्रकार से जो है सिल्क यांस का निर्माण किया जाता है तो आज के जो आ, सेशन रहा है उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार हम उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं हमने पढ़ा कि फाइबर्स जो हैं उनको आपस में ऐठन देकर ट्विस्ट करके एक यान का रूप यानी धागे का रूप दिया जाता है ये जो यान में जो है मजबूती बढ़ाने के लिए और आ, रेशों को आपस में जो है टिका के रखने के लिए सटा के रखने के लिए यान में ट्विस्ट या एठन दी जाती है ये ट्विस्ट जो है जेड ट्विस्ट भी हो सकती है और ये एस ट्विस्ट भी हो सकती है अब ट्विस्ट की जो मात्रा है वो हम ट्विस्ट पर इंच यानी टीपीआई द्वारा जो है जांच सकते हैं धागे में कम यदि एक इंच में थोड़े कम ट्विस्ट दिए जाएंगे तो वो एक लो ट्विस्टेड यान माना जाएगा लो ट्विस्ट में थोड़ा लूज फ्लफी थोड़ा लो स्ट्रेंथ वाला धागा निर्मित होगा अगर आप हाई ट्विस्ट देते हैं ज़्यादा ट्विस्ट की मात्रा रखते हैं तो स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है धागा भी महीन रहता है और कॉम्पैक्ट जो है धागे की कंस्ट्रक्शन होती है यान नंबरिंग सिस्टम्स में मैंने आपको जैसे बताया कि इसके अंदर धागे की महीनता हम जांचते हैं इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काउंट की जाते हैं और इसी तरह फिर मैंने आपको बताया कि यान मेकिंग में कौन कौन से स्टेप्स हैं कॉटन के लिए कौन से स्टेप्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो नॉर्मली जो है कार्डिंग, कोम्बिंग ड्राइंग आउट स्पिनिंग आप देखेंगे कि ये जो है कॉमन रहते हैं और उसके अलावा जो रेशों को तैयार करने की प्रक्रिया है वो कॉटन बूल वर्स्टेड में थोड़ा सा डिफरेंट uh, रहता है बाकी जो मेन स्पिनिंग के जो स्टेप्स हैं वो कॉमन ही रहते हैं सो आई होप आज के सेशन uh, में आप सबको यान कंस्ट्रक्शन के बारे में और यान प्रॉपर्टीज़ के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी आप अपने जो बुक का जो चैप्टर है उसको आप पढ़िए और आपको इस सेशन के बाद जो है आई एम श्योर आपको अच्छे से आप पढ़ पाएंगे और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा थैंक यू सो मच